पटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में राजा बाजार के मछली गली में 32 वर्षीय महिला के संदिग्ध स्थिति में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके की वजह से उसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पड़ोसियों ने बताया कि मृतक युवती को पति हमेशा प्रताड़ित किया करता था, जिस वजह से महिला ने इस तरह का कदम उठाया है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल महिला के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को दामाद अमरजीत द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, इसी से तंग आकर मेरी बेटी ने फांसी लगा ली है। महिला के दो बच्चे हैं। थाना प्रभारी विमलेंदु कुमार ने बताया कि मृतक महिला के पति अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस छानबीन कर रही है। क्या मामला है सर, क्या हुआ है? मामला यह है कि एक श्रीकांति देवी नाम की महिला है, जिनकी हम लोग यहाँ आए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनके पिता के द्वारा कहना है कि इनका जो दामाद है वो हमेशा मारपीट करते रहता था, प्रताड़ित करते रहता है और उसने हत्या किया है। बाकी जांच चल रही है। ये कब की घटना सर? अभी एक घंटे पहले की घटना। एक घंटे तो मतलब उसके पति का नाम क्या था सर? पति का नाम अमरजीत कुमार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।